अब ये सदन या ये संसद सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना ना सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप। नो नो उठा सकते हैं। नो एलिगेशन। ना आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट के सिस्टम पर सवाल उठाया। नो नो इस संसद की बात कर रहे हैं। हाँ संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं। सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वह सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। बोले आप, कोई दिक्कत नहीं सर। 2014 के बाद हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से, लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं। लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है, आप संसद पर ही आरोप लगाएं। इस संस्था में आप बैठे हैं, जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन। ना आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट के सिस्टम पर सवाल उठाया। नो नो सर, आप सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ, मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना। क्योंकि जब भी यहां पे तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है, जो जिस 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 जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति में बोले, इस संसद की बात कर रहे हैं। हाँ संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं। सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उसके उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी दूर सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब माननीय सदस्य प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, आप नीतियों पर कार्यक्रम पर कितनी भी तीखी आलोचना करो, लेकिन सदन के निर्णय पर, मैंने पहले भी कहा था, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना ना सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप। नो नो उठा सकते हैं। पा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, रोका नहीं गया। तो सर मैं बस तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ कि इस 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आप धन्यवाद, लोकसभा में ये जो सुनिश्चित योजना है और लोकतंत्र को खत्म करके भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में।